क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ पाया जा सकता है कई बार लोग मेरे पास लॉफ अट्रैक्शन में आते बोलते सर आप मेरी इस लड़की से शादी करा सकते हो क्या ये, ये, इस मैं इस ये मैं इस... या मेरे एक्स को वापस ला सकते हो मैं इससे प्यार करता हूँ ये मुझसे प्यार नहीं करती जादू टोना नहीं है ऋतिक रोशन इनके ब्रांड एम्बेसडर है ये मैनिफेस्ट किया था आपने मैनिफेस्ट किया था कोई कह दे ऐसा मैं प्राइम मिनिस्टर बनना मुझे इंडिया का मैनिफेस्ट हो जाएगा ऐसे इंसान की इनकम है दस हजार रुपए पर अगर उसकी फ्रीक्वेंसी दस हजार है आप उसको एक करोड़ की अपॉर्चुनिटी दे दो वो खराब कर देगा आइंस्टाइन hmm. जैसे लोगों ने फिजिक्स में प्रूफ किया क्वांटम फिजिक्स में वो सेम लॉज भगवत गीता में वर्ड बाय वर्ड लिखे हुए थे तो क्रिस्टल जी स्टार्ट मूविंग ऑन योर राइट 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 घूमना शुरू कर दो आई लव यू कीप मूविंग राइट थोड़ा सा और फास्ट हो जाओ ताकि देखने वाले को थोड़ा मजा आए और और बिलीफ हो जाए कि आप और वो एक हैं इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से और हम एनर्जी लेवल पे जो भी एक दूसरे से बात करते हैं सबको समझ में आ रहा है और पॉजिटिव बोलूंगा तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव बोलूंगा तो नेगेटिव होगा तो राइट right बोल रहा हूँ राइट right होते जाओ होते जाओ होते जाओ होते जाओ अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कौन नहीं होना चाहता ऊंचाइयाँ कौन नहीं छूना चाहता बहुत सारा पैसा अच्छी लाइफ पार्टनर इजेंट इट अच्छी लाइफ सब कुछ जो चाहते मिल जाए कार बोट हॉलीवुड जाना बॉलीवुड जाना सेलेब्स के साथ खड़े होना सब कुछ बट ये इतना आसान तो नहीं है लेकिन एक प्रैक्टिस है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है उससे काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं मैनिफेस्ट करना आसान हो जाता है बट अगेन वो प्रैक्टिस करें कैसे उसके लिए एक मैंटोर चाहिए तो आज इस अरविंद अरोड़ा शो के एपिसोड में आपको मिलवाने वाले हैं मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट मेरे ख्याल से इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से लेकिन मुझे लगता है जब आप ये पूरा एपिसोड देख लेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि हाँ वन ऑफ़ द बेस्ट लो ऑफ अट्रैक्शन गुरूज मिस्टर मितेश खत्री एंड इंदु खत्री आई के फाउंडर्स हमारे साथ हैं जिनसे हम लोग आज बात करेंगे लो ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट भी हो और वो पूरा भी हो सक्सेसफुली अचीव भी हो जाए तो चलिए इस कॉन्वर्जेशन को शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ वेलकम मिस्टर मितेश एंड मिस इंदू thank you Ervin thank you for inviting us to a wonderful podcast your show which has already made a difference in millions of people's lives so thank you thank you so much for coming agenda set करते हैं सबसे पहले क्या बात करने वाले वैसे मैंने तो बोली दिया है कि हम लोग आज क्या करेंगे but the thing is आपके questions के answer मिलने चाहिए आप life में struggle कर रहे हैं बहुत कुछ पाना चाहते हैं लेकिन successfully नहीं हो पा रहे तो क्या करें agenda number one love attraction पे believe करते हैं नहीं करते आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम लो ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे ये खुद ऑथर हैं इन्होंने बहुत अच्छी बुक्स लिखी हैं प्रैक्टिस भी करते हैं तो लो ऑफ अट्रैक्शन को डिटेल में समझेंगे कि प्रैक्टिस करनी कैसे इन्होंने क्या अचीव किया है मेन चीज़ ये भी है तो इन सब चीज़ों पे बात करते हैं कॉन्वर्जेशन को शुरू करते हैं हमारे इसी वंडरफुल वर्ड से लो ऑफ अट्रैक्शन से वंडरफुल लाइन से वी कैन से लो ऑफ अट्रैक्शन सबसे पहले मित्तेश जी से बात करेंगे क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल भाषा में कहा जाए तो फोकस ऑन बींग नॉट ऑन हैविंग इसको एक मिनट लगेगा बताने में बट hmm. बहुत ज़रूरी शब्द हैं ये तीन हैव डू और बी हैव यानी मुझे चाहिए डू यानी मैं करना चाहता हूँ बी यानी मैं बनना चाहता हूँ पूरी दुनिया हैव डू बी के पीछे भाग रही है करेक्ट उसको अट्रैक्शन नहीं बोलते उसको चेजिंग बोलते हैं hmm. कि पहले मुझे चाहिए मुझे दे दो फिर मैं करूँगा फिर मैं बनूंगा एग्जाम्पल पहले मुझे जॉब दे दो <laughs> फिर मैं काम करूँगा फिर मैं सक्सेसफुल बनूंगा पहले मुझे एक सुंदर सी कन्या से मिला दो राइट <laughs> right? फिर मैं शादी करूंगा प्यार करूंगा और एक अच्छा हस्बैंड बनूंगा या हैप्पी बनूंगा लाइफ में तो ये सब हैव टू बी का जो गेम है ये चीजिंग का गेम होता है इसमें स्ट्रगल ज़्यादा होता है सक्सेस कम होती है तो जो लोग बोलते हैं ना कि सक्सेस के लिए स्ट्रगल ज़रूरी है या हैव टू बी में आता है उसको लॉफ्ट ट्रैक्शन में करोगे तो बी डू हैव अमेजिंग

लड़की से पूछता हूँ आपको कैसा लड़का चाहिए लड़के से पूछता हूँ आपको कैसी लड़की चाहिए तो सेम जवाब मिलते हैं अगर लड़की से पूछ लो बोलेंगे हाँ एक गुड लुकिंग लड़का होना चाहिए उसके पास पैसे होने चाहिए उसके जॉब होना चाहिए अच्छे से सेटल्ड होना चाहिए और सबसे बड़ी बात आ, वो, वो, मुझे बहुत, वो, बहुत मुझे बारे बारे। वो, मुझे प्यार करना चाहिए और उसका पूरा ध्यान मुझ पे होना चाहिए बढ़ गया चलो बड़ी अच्छी बात है लड़के से पूछ लो सिमिलरीर ही चीज़ें मिलेगी कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए आजकल तो लोग ये भी बोलते हैं कि सर सेटल्ड होनी चाहिए पढ़ी लिखी होनी चाहिए हंसमुख होनी चाहिए मेरे परिवार के साथ घुल मिल जाए वेरी गुड तो मैं उनसे सारी ये क्वालिटीज पहले लिखवा लेता हूँ कि आपको क्या चाहिए हैव है ना मैंने अब ये बताओ कि ये जितनी क्वालिटीज आपने लिखी है इनमें से कितनी क्वालिटीज आप में है हुँ. और जब उस चीज को लोग चेकलिस्ट करने बैठते हैं ना तो उसमें से टेन परसेंट भी खुद में नहीं होती हुँ. मुझे एक हंसमुख लड़का चाहिए क्या मैं हसमुख हूँ <laughs> मुझे एक वेल well सेटल्ड लड़की चाहिए क्या मैं वेल सेटल्ड हूँ वो मेरे फैमिली में घुल मिल जाए क्या मैं किसी की भी फैमिली में घुल मिल जाता हूँ नहीं तो मुझे hmm. चाहिए तो बहुत कुछ पर hmm. मैं वैसा इंसान नहीं हूं hmm. तो अट्रैक्शन होगा कहां से तो अगर ऐसा इंसान सिर्फ एफर्मेशन ही करता रहे hmm. तो अट्रैक्शन नहीं होता सो एक्चुअल अट्रैक्शन होता है बी डू हैव आई होप इट्स अ शॉर्ट बट जस्टिफाइड आंसर एग्जैक्टली तो सिंपल है इसका एग्जाम्पल खैर मैंने भी देखा है बी डू है बहुत सिंपल <coughs> है यानी कि पहले आप जो भी बनना चाहते हैं जो भी पाना चाहते हैं उसे इमेजिन करना स्टार्ट करो मैनिफेस्ट करो कि वो मैं अचीव कर चुका हूँ hmm. उसके बाद एफर्ट्स अपने आप लगने लगेंगे और आप वो पा जाओगे सिंपल उल्टा उल्टे यानी उसको रिवर्स में ले लो इस पूरे प्रोसेस को अमेजिंग समझ तो गए लेकिन कई बार हमारी इच्छाएं जो डिज़ायर्स हैं वो इतनी बड़ी होती हैं कि शायद वो कभी पूरी नहीं होती जैसे मैं ही अगर बोल देता हूँ खुद को या मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ कोई कह दे ऐसा मैं प्राइम मिनिस्टर बनना मुझे इंडिया का मैनिफेस्ट हो जाएगा ऐसी जो इ लॉजिकल कैन से डिजायर्स होती हैं जो पूरी नहीं हो सकती क्या वो भी पूरी होती नहीं नहीं होती इ नहीं होती उसका रीजन ये है कि एक लॉ ट्रैक्शन में बहुत सारी लेयर्स होती हैं Okay. जिसको हम एडवांस लॉक्शन हमारे कोर्स में सिखाते हैं बेसिक hmm. लॉ होता है सिर्फ एफोमेशन कर लो विजन बोर्ड बना लो थैंक यू बोल लो विजलाइज कर लो कि मैं ये बन गया और बन जाऊंगा hmm. वो है बेसिक लॉ गलत है. नहीं है hmm. बट उस बेसिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए एडवांस लॉफ्ट चाहिए तो उसमें दस लेसन दस लेयर्स hmm. हैं उसमें से एक लेयर होता है जिसको मैं कहता हूँ आपके इनर वैल्यूज आपके इनर वैल्यूज अगर आपके एफेमेशन से अलाइन नहीं है ना तो वो अट्रैक्शन नहीं होता एग्जाम्पल आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है

एक आप ही का एग्जाम्पल ले लेते हैं बहुत सारे लोग जो अभी आपको देख रहे होंगे hmm. आप ही की तरह एक फेमस यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो एक यूट्यूब चैनल खोल लेंगे पहली स्ट्रगल शुरू होगी मोटिवेशन hmm. ही नहीं आ रहा मोटिवेशन hmm. चैनल देख रहे हैं मोटिवेशन चैनल बनाना चाहते हैं मोटिवेशन ही नहीं नहीं रहा नहीं रहा वीडियो hmm. बन कैमरा के सामने जाता है टेंशन आ जाता है hmm. क्यों जो क्वालिटीज आप में है ना उनमें से एक क्वालिटी है कि जब व्हेन यू आर इन दिस कैमरा और जब आप बात करते हो ना आप तो ये सोच भी नहीं रहे कि इसके वीडियो के बाद में क्या होगा यू आर बींग यूर बींग इंस्पायर्ड यूर बिंग हैप्पी इन दिस पोजिशन पहले यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए वो जो पर्सनैलिटी वो बन जाए कि अ पर्सन आई लव क्रिएटिंग पहली बात दिस इज बींग दूसरी आई लव दिस एडिटिंग प्रोसेस ये दिखने में लग रहा है कि छोटा सा वीडियो पड़ी इसमें कितनी मेहनत करते हो आप hmm. पूरी टीम है आपके पास True. इस मेहनत से प्यार होना चाहिए hmm. सिर्फ उस हैविंग से अगर प्यार होगा कि आज एक मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए पर उस एक मिलियन सब्सक्राइबर्स पे पहुंचने के लिए जो मेहनत है उससे भी उतना ही प्यार होना जरूरी है ट्रू दैट्स द बीइंग पार्ट ऑफ इट राइट तीसरा यू आर मेकिंग वीडियोस बट यू आर आल्सो फोकस्ड ऑन कि जो इसको देख रहे हैं hmm. क्या उनको वैल्यू मिल रही है hmm. क्या उनको इससे कुछ मिलेगा hmm. आपने आज बहुत अच्छी शुरुआत की एजेंडा पहला hmm. आपको इस वीडियो से क्या मिलेगा करेक्ट तो यू आर फोकस्ड ऑन पीपल ऑन सर्विंग ये बींग है hmm.

और वहां गड़बड़ हो जाती है hmm. तो पॉसिबल है लॉजिक के बाहर मैजिक पॉसिबल है वैल्यूज hmm. और एफर्मेशन मैच होने चाहिए तो चलिए हम लोग वैसे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात करें तो आपका सवाल शायद ये भी होगा कि जिनसे मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने क्या किया है तो इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं सबसे पहले हम लोग हिंदू मैम से बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस आप कब से कर रहे हो और बेसिकली आपका एक्सपीरियंस क्या है आपने क्या अचीव किया उससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने मितेश से ही सीखा टू में जब मैं मिली उनसे तो मैंने उनके क्लास अटेंड की और उनसे ही सीखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और फिर उन्हीं पे अप्लाई कर दिया इन्होंने एक्चुअली मुझे एक क्लास में बुलाया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बोले कि मैं आज एक क्लास कर रहा हूँ आई डोंडके सिखा रहा था बिलीव इट और नॉट सिर्फ दो लोग थे अटेंड <laughs> अच्छा। <laughs> एक पार्टिसिपेंट और एक मैं बट oh. मानने वाली बात यह है कि इन्होंने पूरी क्लास डिलीवर करी तो मुझे वो साइंस समझ में आ गया उसके बाद हम कॉफ़ी पे गए तो हो गई मैडम हमसे ये हमारी पहली सो कॉल्ड तो हम वहाँ पे बात किए फिर वहाँ पे दो चीज़ें हुई आ, पहली चीज़ तो हमारी बात हुई उसमें मैंने उनसे कहा कि अगर आपको इतना मालूम है तो अभी तक आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए वो क्वेश्चन उनके लिए रह गया वो बाद में वो आंसर करेंगे आपसे दूसरी चीज़ हुई उसके बाद में हमने डेट करना शुरू किया करीब एक छः महीने बाद में फिर हमने शादी की बात करी तो इन्होंने कहा मुझे शादी नहीं करनी हमने कहा <laughs> ठीक है कोई बात नहीं फिर हम लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रैक्टिस पूरा किया <laughs> फिर वो उसके अफॉर्मेशन बनाए <laughs> एक रिकॉर्ड किया <laughs> रिकॉर्डिंग को रात को चला दिया <laughs> और वो रिकॉर्डिंग ये थी कि मेरी उनसे शादी हो गई है आए हाय ये मुझे पहले बताया नहीं बताया नहीं बाद में बताया गया था तो फिर उसके बाद हुआ ये कि हमारी जब शादी की बात चल रही थी तो मॉम माई मॉमिन लॉ बिलीव्स इन पत्रिका uh, तो उन्होंने पत्रिका मिलाई पत्रिका कुछ मिली नहीं बहुत uh, सारी चीजें प्रॉब्लम थी पत्रिका में तो मम्मी ने बोला नहीं होगा हमने कहा ठीक है नहीं होगा नहीं होगा नहीं। नहीं। फिर मैं मेरा कंटिन्यू किया मैनिफेस्टेशन फिर आ, तीन महीने बाद में मम्मी ने मितेश को एक लड़की दिखाई मितेश जाके देख के भी आए इन्होंने रिजेक्ट कर दी उसके बाद में मम्मी ने कहा कि शादी तो करनी है तो मैं तेज बोले मैं शादी करूंगा तो हिंदू से करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा hmm. मम्मी बोली पत्रिका नहीं मैच कर दिया hmm. फिर उनके बाद में उनके पता नहीं क्या सूझा उनको सचमुच नहीं मालूम क्या उनको लगा वो वापस पंडित के पास गए hmm. और hmm. फिर पत्रिका मैच करने गए सेम पंडित hmm. बोला पत्रिका मैच होती है देन ही सेड कि सम आई आई थिंक वाज देन तो बोले तीस साल की हो गई है तो वो सब जो दोष था वो सब खत्म हो गया है आप शादी कर सकते हैं मम्मी वापस आई वो कि कि सुन के मैं डर गया <laughs> मैंने यार ना बोल देते <laughs> उसके बाद बोला शादी कर सकते हैं तो ये डर गया ये बात और है। <laughs> बट फिर टू हमारी तो ऑफ अट्रैक्शन इम्प्लीमेंट कर दिया था कंक्लूड करता हूँ जब आप सुन रहे थे आपने भी सुना होगा तो मैंने क्या समझा मुद्दे पे आते फिर से कहता हूँ कि अपनी एजेंडा से मत ही लो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक प्रैक्टिस बता दी ध्यान से समझिएगा कुछ भी मैनिफेस्ट करना है उसको लिखना है लेकिन लिखना फ्यूचर या पास टेंस में नहीं है प्रेजेंट टेंस में अगर आप जितना कॉन्वर्जेशन समझे हो, सीखे हो। मैंने इतना समझा लेकिन गुरु के पास चलते हैं मितेश सर तो पूछिए भाई सवाल है सेम मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप कब रूबरू हुए उसके बाद आपने कब प्रैक्टिस करना शुरू किया और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे ये करूंगा सिर्फ मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपने क्या क्या चीज़ें अचीव की तो जब मैंने मैनिफेस्टेशन पहली बार सीखा तो एक किताब का नाम है द सिल्वर माइंड कंट्रोल ओके उस किताब से उसका मेरा इंट्रोडक्शन हुआ बचपन में बहुत सारे सुपर हीरो मूवीज़ देखते थे करेक्ट स्पाइडर मैन सुपरमैन तो ये हुँ. सब मैजिक की दुनिया तो सब लड़कों को अच्छी लगती है हुँ. मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी हुँ. तो जब वो किताब पढ़ी तो हुँ. पहली बार पता चला कि ऐसा मैजिक पॉसिबल है ओके क्या आप कुछ सोचो और हो जाएगा ये तो बहुत ही कमाल की किताब है तो वहाँ से पढ़ना शुरुआत हुई हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ी लॉफ ट्रैक्शन में खूब सारी रिसर्च की और लोगों को सिखाना शुरू कर दिया इम्प्लीमेंट कुछ नहीं किया पहले सिखाना शुरू किया hmm. तब मैडम से मिला था hmm. सक्सेसफुल नहीं था स्ट्रगल कर रहा था hmm. बट याद है वो सवाल पूछा था इन्होंने मुझसे कि अगर आप इतना सिखा रहे हो लॉफ ट्रैक्शनिंग क्यों सक्सेसफुल नहीं हो तब पहली बार मैंने सोचा यार एक काम करते हैं लॉ ऑफ इलेक्शन कुछ दिन सिखाना बंद करते थे तो ये मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि मेरी जैसी गलती मत करना <laughs> हम बहुत सारी चीज़ें सीख के सिखाना शुरू कर देते हैं बिना इंप्लीमेंट किए तो उस दिन डिसाइड किया कि पहले प्रैक्टिशनर बनना है पहले मास्टर बनना है फिर सिखाना है जैसे ही उसको इंप्लीमेंट किया फर्स्ट थिंग आई रिमेंबर वी इंप्लीमेंटेड वॉज फॉर माई जॉब उस वक्त क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा था विप्रोस्पेक्ट्रामाइन नाम की कंपनी मुझे याद है कॉल सेंटर लेके आई थी इंडिया में और वहाँ पे कुछ 500 लोगों की लाइन थी क्योंकि सब लोग कॉल सेंटर में जॉब लेने पहुँच गए थे क्योंकि लो क्वालिफिकेशन पे आपको इजीली जॉब मिल रहा था 500 लोगों की लाइन में मैं तो खड़े रहने वाला था नहीं फॉर वट रीजन थोड़े से ख्याल अपने पहले से ऐसे थे कि लाइन में हम खड़े रहेंगे पिक्चर देख देख के बड़े हुए तो अमिताभ बच्चन बोलता था जहाँ हम खड़े होंगे लाइन तो वहीं से शुरुआत होगी तो मैंने कहा चलो फिर लाइन तो नहीं खड़े रहेंगे तो इंदू को मैंने वहाँ से फ़ोन किया मैंने कहा मैं वापस आ रहा हूँ लाइन में तो नहीं खड़ा रहा तो बोली मैनिफेस्ट कर hmm. ये भी अच्छा hmm. तो वहाँ कैबिन के बाहर जहाँ hmm. इंटरव्यू का कैबिन था hmm. उसके बाहर एक चेयर स्टूल था hmm. चेयर थी वहाँ बैठ गया मैं okay. कोई नहीं बैठा था वहाँ खाली पड़ी थी जो सारे लाइन में रुके हुए थे कोई अपनी लाइन छोड़ना नहीं चाहता था hmm. और बैठ के मैंने आंखें बंद करके विजुलाइज कर लिया कि मैं यहाँ से बाहर निकलाऊ और मुझे जॉब मिल चुका है और उन दिनों क्योंकि लाइन इतनी लंबी थी आप इंटरव्यू लेटर्स मतलब अपॉइंटमेंट लेटर लेके बाहर निकलते थे कॉल सेंटर में सिचुएशन वही होती थी तो मैंने विजुलाइज किया पांच मिनट वहीं बैठा आराम से फोन पे अपना टाइम पास कर रहा था। मुझे आज भी याद है वो एक इंटरव्यू और बाहर आया। hmm. ऐसे मुझे देखा कि ये कौन यहाँ पे ऐसे बोला मेरे दिमाग ने बोला क्यों आई गॉट इन और जो मैंने सैलरी विजुलाइज की थी दस हज़ार पाँच सौ वही सैलरी का अपॉइंटमेंट लेके बाहर निकला मैं बीस मिनट okay. so hmm. बाद लिया अब मैं इम्प्लीमेंट करना नहीं छोड़ूंगा फिर मैंने पहले एक साल जॉब okay. किया फिर लोन लिया लोन लेके हमने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का बिजनेस शुरू किया hmm. कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के बिजनेस में फिर हमने लॉ ऑफ रेक्शनशिप के ऊपर पूरा फोकस करके hmm. बिजनेस को बढ़ाया फर्स्ट hmm. क्लाइंट मुझे याद है एट थाउजेंड रुपीज पर डे की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की थी मैंने टीम बिल्डिंग वर्कशॉप पे hmm. कल्याणी नगर में एक सोसाइटी है पुणे में वहां पे hmm. फिर वहां से शुरुआत हुई सत्रह साल हमने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की विदाउट अ सेल्स टीम

सिर्फ मिले ही नहीं है एक्चुअली ऋतिक रोशन इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं ये मैनिफेस्ट किया था आपने मैनिफेस्ट किया था अमेजिंग बिल्कुल मैनिफेस्ट किया था सो योर एक्सपीरियंस पहले तो ये मैनिफेस्टेशन क्यों आपको ऋतिक रोशन ही क्यों चाहिए था बहुत सिंपल रीजन है हम ये सोच रहे थे ब्रांड एम्बेसडर ऐसा होना चाहिए जो ऑफ ट्रैक्शन की इन बातों से रिलेट कर पाए

तो वो जो पर्सनैलिटी थी हमको वो एनर्जी की जरूरत थी hmm. इस टॉपिक के लिए तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट द दर्सनैलिटी बट द एनर्जी और जब हम हमसे मिले तो वो बात हमारे लिए और भी कंफर्म हो गई पहली जब हमारी मीटिंग थी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी मतलब उनसे मिलके पता चल गया कि ये इंसान इस टॉपिक को रिस्पेक्ट दे सकते हैं hmm. और वहां से की शुरुआत हमारी चालू हुई कंक्लूजन ये है कि इफ़ यू प्रैक्टिस किस एवर आर प्रीचिंग यू कैन ईजिली अचीव दैट सो सिंपल सी बात है लो ऑफ अट्रैक्शन को समझना आसान है समझ जाते हैं लोग लेकिन प्रैक्टिस करना हार्ड है पर बिलीव करना उससे भी ज़्यादा हार्ड है पर जो बिलीव कर लेता है वो अचीव कर भी लेता है इसके सिंपल से एग्जांपल्स आपको टीवी पर दिख जाएंगे आप सेलिब्रिटीज़ आप जितनी हॉलीवुड बॉलीवुड जो बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं उनके इंटरव्यूज़ आप चेक करो देखो वो बिलीव करते हैं और वो प्रैक्टिस भी करते हैं इसका एक और सिंपल सा मैं जब इनकी आ, हिस्ट्री या इनकी स्टोरी जब पढ़ रहा था तो एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आई कि इन्होंने अब तक अपने करियर में एक मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को फ्लो ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करवाई है उसके बारे में जानते हैं एक मिलियन बहुत बड़ा नंबर है इसको सिंप्लीफाई कर हैं तो दस लाख से भी ज़्यादा लोग दस लाख लोगों तक पहुंचना

पता नहीं कितने ज्यादा लोग उसको पढ़, पढ़ चुके, चुके हैं उसमें मानते हैं करेक्ट और जहाँ ये किताब द सीक्रेट खत्म होती है वहाँ हमारी किताब द लॉ ऑफ ट्रैक्शन शुरू होती है hmm. वहां से प्रैक्टिस उसकी शुरू होती है कि डेप्थ hmm. में लॉ ऑफ ट्रैक्शन क्या है hmm. तो ग्लोबली स्टूडेंट्स हैं हमारे नॉट जस्ट इन इंडिया और वहां तक कैसे पहुंचे लॉ ऑफ ट्रैक्शन से hmm. तो अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या मैं उनके पास जाके मैंने कहा कि चलो आओ मैं सिखाता हूँ नहीं मैं अपना काम करता गया, मैं YouTube पे बनाता गया, फ्री, भी फ्री है। तो हमने लाखों को कॉर्पोरेट तो ट्रेनिंग्स करते थे लॉ ऑफ टाइम पहले नहीं कर रहे थे कोविड के पहले तो करीब सत्रह साल से ज्यादा हर संडे अपने घर पे ट्रैक्शन लोगों को फ्री में सिखाया और वो क्लास हमारी लिटरली दस मिनट में फुल होती थी

फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए तो काम आ जाती है एग्जाम्पल hmm. देता हूं किसी इंसान की इनकम है अगर hmm. उसकी फ्रीक्वेंसी है hmm. आप उसको एक करोड़ की अपॉर्चुनिटी दे दो वो खराब कर देगा hmm. बर्बाद कर देगा उसको करेक्ट राइट right? hmm. तो मेरी फ्रीक्वेंसी कॉर्पोरेट hmm. ट्रेडिंग में सत्रह साल से काम करके एक पर्टिकुलर इनकम की बन की चुकी थी hmm. hmm. अब एक महीने पहले कोविड के मुझे hmm. एक आइडिया आता है कि यारिंदू मैंने ना बहुत पैसे कमा लिए 17 साल से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कर ली थोड़ी लोगों की सेवा करते हैं लॉ फ्रैक्शन थोड़ा और सिखाते हैं इंडिविजुअल्स को ओके okay. एक प्रॉपर कोर्स बनाते हैं डिटेल में एडवांस लॉ फ्रैक्शन जो हमने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है तो इंदु का पहला सवाल था यार लाइफ टाइम कॉर्पोरेट वर्कशॉप किया है इंडिविजुअल्स को कौन बेचे अब देखो कॉर्पोरेट्स में ना बहुत सिंपल होता है आप गए आपको दिन के लाख मिले आप घर आ गए एंड एंड दैट्स इट योर योर वर्कशॉप इज ओवर ट्रीटेड लाइक अ वीआईपी आपको बिजनेस क्लास में बुलाया जाएगा आपके लिए गाड़ी आएगी आप जाओगे टॉप hmm. मैनेजमेंट hmm. को वर्कशॉप दोगे आप घर आ जाओगे बात खत्म हो गई करेक्ट अब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को वर्कशॉप बेचने की <laughs> तो पहली hmm. बात तो वो प्राइसिंग ही नहीं मैच हो रही थी हमारे दिमाग में कि कैसे करेंगे hmm. तो एक ही बात दिमाग में थी कि चलो एटलीस्ट लोगों को हेल्प करने के लिए कोर्स शुरू तो करते हैं फिर देखते हैं क्या होगा ओके तो लॉफ ट्रैक्शन में एक कहावत है हमारे डोंट आस्क हाउ Just do it. Just do it. Mm. ये मत पहला वेबिनार था mm. और जो इनकम मेरी बंद हुई थी कॉर्पोरेट में mm. वो पहले ही महीने में कोविड में वापस मैच हो गई mm. क्योंकि उतने ही लोगों ने लॉक्शन का कोर्स ज्वाइन कर लिया और अब तीन साल में उसके बाद जो हमने कॉर्पोरेट्स में इनकम करते थे एक महीने में आज हम उसका सिक्स हंड्रेड परसेंट महीने में करते हैं hmm. तो एक टाइम ऐसा है हमको कॉर्पोरेट बिजनेस को मना करना पड़ा hmm. तो जो आपका सवाल था hmm. कि आप लोगों के पास गए hmm. नहीं आए hmm. <laughs> क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो चीजें अपने आप अट्रैक्ट होती हैं मैगनेट की तरह आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो करेक्ट अगेन अभी अभी पूछेंगे ओवरऑल प्रैक्टिस कैसे होती है इसकी लेकिन इसको भी कंक्लूड करते हैं कंक्लूजन बड़ा जरूरी है इन्होंने एक वर्ड यूज किया फ्रिक्वेंसी हम और आप बातें करते हैं अपने मुंह से बोल के लेकिन पता है ये जो यूनिवर्स है उसकी भाषा ये बोल के नहीं है उसकी भाषा सिंपल है दो ही वर्ड्स फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन तो जो फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशंस आपसे मैच करती हैं या आप उसको बाहर छोड़ते हैं उसके हिसाब से यूनिवर्स रिएक्ट करती है मैं तो इतना ही समझा पाया हूँ मैंटोर्स के पास चलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दो टाइप के टेक्निक्स होते हैं एक बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन

अगर हमारी फीलिंग्स थॉट्स बिलीव्स और एक्शंस अलाइन हो गई तो हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई Amazing. हमारे गोल से hmm. uh, कई बार क्या होता है मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ फीलिंग hmm. आ रही है लेजी राइट बिलीफ है पता नहीं एक्सरसाइज करके कुछ होगा भी कि नहीं होगा एक्शन ले नहीं पा रहा हूँ hmm. तो अब देखो एफटीबीए में मिस अलाइनमेंट आ गया hmm. तो वो गोल से मैच नहीं कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है तो अगर फ्रीक्वेंसी मैच करनी है hmm. तो सिर्फ एफर्मेशन नहीं बोलना है उस एफर्मेशन को फील करना है hmm. और प्रैक्टिस से उसको विश्वास करना है तो हम एक प्रोग्राम करते हैं लोगों के लिए जिसको हम बोलते हैं डेली मैजिक प्रैक्टिस ओके okay. बहुत ही कम चार्ज करते हैं उसके लिए महीने का इट्स मोर फॉर सेवा इट्स मोर फॉर हेल्पिंग पीपल जहां पे रोज रात को मैं लोगों को नौ बजे मिलता हूं mm. आधे घंटे के लिए mm. Mm. और उसमें जो पहले तो हम लोगों से कहते हैं कि एफर्मेशन कैसे बनाना है okay. वहीं गलती हो जाती है लोगों से सही एफर्मेशन बना लो और फिर रोज प्रैक्टिस करो फीलिंग को थॉट को बिलीव को और एक्शन को अलाइन करने के लिए एक बार वो अलाइन हो जाता है और फीलिंग अलाइन हो जाती है ना जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू शुरू क, चालू कर लिया है hmm. तो ये नहीं बोलना है कि करूंगा hmm. वो फ्यूचर हो गया कर सकता हूं नहीं कैपेसिटी की बात आ गई hmm. मैंने कर लिया है यहां से शुरू करो कोई भी गोल है आपका hmm. आपको वेट लॉस करना है तो यह मत बोलो कि मेरा वेट लॉस हो गया hmm. गोल थोड़ी है कि वेट लॉस हो गया जब आपका वेट लॉस हो चुका है hmm. तो आप थोड़ी बोलते हो कि मेरा वेट लॉस हुआ कोई आपको पूछता है क्या बॉडी वेट है तो आप अपना करंट बॉडी वेट बताते हो ये थोड़ी बताते हो कि मैंने वेट लॉस किया है क्योंकि वेट लॉस करके अगर एक साल हो गया तो क्या बोलोगे करेक्ट ये मेरा करंट बॉडी वेट है hmm. तो अगर आपका आइडियल बॉडी वेट है hmm. 50 kg, एक example, hmm. तो आप लिखिए hmm. मैं किलो वजन बॉडी वेट बना चुका हूं. Hmm. अब आगे फीलिंग लिखो कि ये वजन अब अचीव करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है <laughs> मुझे बहुत हल्का लग रहा है मुझे बहुत कॉन्फिडेंट महसूस होता है रोज अपने आप के बारे में तो ये जो वर्ड्स है अपने एफर्मेशन में डालो hmm. और दूसरी स्टेप बहुत सिंपल है लेकिन बहुत जरूरी स्टेप है इस एफर्मेशन को दिन में कम से कम दो बार प्रैक्टिस करो okay. सुबह भी उठते ही और रात को सोने के पहले जितना इसको रिपीट करोगे क्यों जरूरी है से बनता है से बनता ट्रू जो आप एक बार मान लोगे क्योंकि बिलीफ इज नथिंग बट अ अटेशन ऑफ थॉट्स ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स जो आपकी पर्सनल सच्चाई है तो इस बिलीफ को सच्चाई बना लो अगर आप रिलेशनशिप में एफर्मेशन करना चाहते हो कि मेरी शादी हो गई तो एक गलती मत करना उसमें बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, कि मेरी इस लड़के से शादी हो गई या मेरी इस लड़की से शादी हो गई कई बार लोग मेरे पास में आते बोलते सर आप मेरी इस लड़की से शादी करा सकते हो क्या ये मैं इससे एक्स को वापस, लापस लापस वापस लापस ला सकते हो लापस लापस मैं इससे प्यार करता हूँ ये मुझसे प्यार नहीं करती जादू टोना नहीं है क्योंकि जितने हम भगवान हैं लॉफ ट्रैक्शन इसलिए काम करता है क्योंकि एनर्जी लेवल पे हम सब एक हैं ओके तो जितने हम एक हैं उतने वो भी एक हैं जितने हम भगवान हैं वो भी भगवान हैं जितनी इच्छा मेरी कुछ है उसकी भी कुछ इच्छा है तो हो सकता है वो मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं कौन उसको जबरदस्ती मुझसे प्यार करवाने वाला ट्रू। तो आपको लड़की नहीं चाहिए आपको वो इंसान नहीं चाहिए आपको क्या चाहिए एक हैप्पी मैरिड लाइफ ये लोग भूल जाते हैं कई बार स्ट्रगल करके कई बार लोग जबरदस्ती किसी एक इंसान से शादी कर लेते हैं पर अगर कोई चीज़ बहुत स्ट्रगल से होती है तो उसका मतलब ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती मैच है नहीं कर कैसे पता चलेगा हुँ. शादी होने के बाद स्ट्रगल शुरू हो जाएगा हुँ. और वही लोग जो प्यार करने के लिए झगड़ा करते थे आज झगड़ा करके प्यार खत्म कर देते और प्यार खत्म करने के बाद डिवोर्स कर लेते तो ये क्यों हुआ क्योंकि फ्रीक्वेंसी पहले से मैच कर ही नहीं रही थी आपने खुद ही झगड़ा करके उसको प्यार किया था तो एफर्मेशन ये होना चाहिए आई हैव अट्रैक्टेड एन अमेजिंग लाइफ पार्टनर हु लव्स मी आई लव हर ज हैप्पी विथ मी आई एम है hmm. वो एम बी ए कर चुकी है hmm. महीना कमा रही है <laughs> उसका नाम यह है वो गोरी है hmm. वो यूएस में रहती है नहीं स्टूडेंट से भी ये बात कहूंगा hmm. बहुत सारे स्टूडेंट्स एफ यूज करने के लिए कहते हैं मेरा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है hmm. नहीं यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोग पास होकर निकले क्या सब लोग करोड़पति बन गए क्या सब सक्सेसफुल हो गए नहीं mm. तो गोल वो थोड़ी है यूनिवर्सिटी mm. से पास होना गोल mm. तो यह ना कि सक्सेसफुल होना है आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई एमबीए आई इट अ ग्रेट टाइम गॉट आइडियल जॉब इन द बेस्ट कंपनी दैट आई आई कुड हैव गॉट एम लविंग माई जॉब टूडे एंड आई हैव आईज सेंस ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन टूडे और मुझे मजा आ रहा है काम करने में आई एम सो हैप्पी कि मैंने एमबीए किया mm. अब इसमें देखो कहीं एमबीए की यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है ट्रू mm.

कैसे आएगा वो छोड़ दो वो छोड़ दो यूनिवर्स का मत सिखाओ कंक्लूड <laughs> कर लेते हैं फिर से क्योंकि क्वेश्चन था कि लो ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है प्रैक्टिस करने का सिंपल तरीका है और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे दैट इज़ एफ टी बी ए फीलिंग थाट्स बिलीव एंड एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या थी ये सिर्फ इतना ही नहीं था कि एफ टी बी ए को याद रखो रिपीट करो इन्होंने कहा कि रिपीट से बिलीव पड़ता है मैं ऐड करता हूँ रिपीट से आपके डाउट खत्म होते हैं hmm. और अगर आपके फीलिंग में जो आप चाहते हो उसमें पॉइंट जीरो 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 वन परसेंट भी डाउट है ना तो नहीं बनने वाला है कुछ नहीं होने वाला है वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा और उसके लिए वहाँ एक भी डस्ट का पार्टिकल नहीं होना चाहिए मैं सही बोल रहा हूँ एकदम सही सो फाइनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा हमने सब कुछ पा सकते हैं क्या इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं इंदू मैम से पूछते हैं क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ पाया जा सकता है क्या लिमिट है उसकी इज लिमिटलेस अगर कोई सोच ले कि हाँ, मेरे थॉट में रत्ती भर भी डाउट नहीं है अगर आप सोच ले कि आपके थॉट में रत्ती भर भी डाउट नहीं है और आप अपने फीलिंग्स थॉट्स बिलीफ्स और एक्शंस को अलाइन करें hmm. तो पा सकते हैं बट इट टू बी अलाइंड इन एवरी सेंस यू के नॉट से कि मैंने आज जाके लॉटरी खरीदी और मेरी लॉटरी जीत गई नो इट वोट वर्क बट mm -hmm. अगर आप बोले कि हाँ मैं मेहनत करूंगा जैसे आप ही का एग्जाम्पल फिर से मैं ले रही हूँ विदेश ने लिया था mm -hmm. आपने डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूँगा मैं आई विल मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ एंड यू स्टार्ट डूइंग इट आपकी फीलिंग्स थाट्स और बिलीव्स और एक्शन चारों अलाइन हो गए तो आज आप देखें आप कहाँ हैं आई मीन योर वर्ल्ड नंबर वन बिकॉज आपने पूरा अलाइन किया इट इज़ अगर कोई एक साल पहले आपसे पूछता 2020 से पहले 2019 में पूछता तो कोई बोलता नहीं 10 महीने में 10 मिलियन पॉसिबल नहीं है बट आप करके दिखाए क्योंकि आपके अलाइन थे बट कुछ अगर सिली चीज़ है जैसे कोई लड़की है फिर से लड़की वाला एग्जाम्पल देते किसी की वाइफ है और आप hmm. चाह रहे कि आप उससे शादी करें इट वोट बी पॉसिबल क्योंकि वो लड़की की अपनी फीलिंग्स है अपने थाट्स है वो लड़की के हस्बैंड के अपने फीलिंग्स है अपने थाट्स है आप वो नहीं कर सकते सो इट हैज़ टू बी कम्पलीटली अलाइन इट हैज़ टू बी लॉजिकल एंड इट हैज़ टू बी एथिकल ऑल्सो यू cannot नॉट गो अन एथिकल this डूइंग दिस एथिकल रूट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क ओनली ऑन एथिक्स नॉट ऑन अन एथिकल वे तो कंक्लूजन बड़ा सिंपल है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एथिकल चीज़ों पे काम करता है गुरुदेव के पास चलते हैं जो हमारे मैंटोर हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उन्होंने दो बहुत ही अमेजिंग बुक्स लिखी हैं और ये बेस्ट सेलर हैं ये बुक्स हमारे पास हैं एक तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है और दूसरी बहुत ही अमेजिंग अवेक द लीडर इन यू ये बुक्स आपने लिखी हैं सबसे पहले इस बुक के बारे में बात कर लेते हैं जैसे मैंने आपसे सवाल भी पूछा इस बुक के थ्रू इस बुक के माध्यम से आप आंसर दे सकते हैं कोई एग्जांपल के थ्रू कि क्या सब कुछ मैनिफेस्ट किया जा सकता है और इस बुक में ऐसा क्या खास है जिससे रीडर्स को बहुत मजा आ जाए पढ़ने के बाद तो इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सवाल आपका जो जो है कि क्या हम कुछ भी पा सकते हैं हाँ और ना हाँ इसलिए क्योंकि अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करो ना इसलिए क्योंकि आप या तो तरीका गलत इस्तेमाल कर रहे हो हाँ या जो मांग रहे हो वो hmm. आपसे okay. right? hmm. उड़ने लग जाऊंगा hmm. ऐसा मत hmm. करना hmm. <laughs> गिर जाओगे hmm. तो लॉ ऑफ ट्रैक्शन काम करता है इन अलाइनमेंट विद अदर लॉज ऑफ यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटी एक लॉ है हमने थोड़ी बनाया राइट right? hmm. तो ये जो लॉज ऑफ फिजिक्स है ना ये सारे एक दूसरे के फैमिली मेम्बर्स है okay.

मैंने जब रिसर्च किया भगवत गीता और में साथ में पढ़ रहा था hmm. तो मुझे समझ में आया कि जो आइंस्टाइन जैसे लोगों ने फिजिक्स फिजिक्स में प्रूफ किया, में किया क्वांटम एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज एनर्जी एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉइड इट केम फ्रॉम टू अनदर फॉर्म सेवन स्टैंडर्ड फिजिक्स में आता अब इसी चीज को भगवत गीता में लिखा हुआ है hmm. आप शरीर नहीं आत्मा हो यू आर नॉट मैटर यू आर एनर्जी एनर्जी का ट्रांसलेशन है स्पिरिट यू नॉट बी क्रिएटेड और ना आपकी मृत्यु हो सकती है ना आपकी जन्म हो सकती है यू कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर आपकी सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है एक जन्म से दूसरे जन्म में करेक्ट hmm. ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो भगवत गीता में लिखे हैं जो इसमें मैंने वर्ड बाय वर्ड बताए दो रीजंस के लिए hmm. हमारा लॉजिकल माइंड पहले बिलीव चाहता है कॉन्शियसनेस में लॉजिक चाहता है है कि सच में क्या कृष्णा hmm. तो तो hmm. भी, hmm. भी गलत थे पॉसिबल नहीं True. तो पहला पार्ट तो ये है कि लॉजिकली साइंटिफिकली लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करता है और क्यों काम करता है और फिर इसमें तरीके दिए हुए हैं स्टेप hmm. कि स्टेपेशन कैसे बनाया जाता है hmm.

अब ये जो हम कर रहे हैं ये इंटरव्यू कर रहे हैं hmm. ये एक्शन है hmm. इसकी अपनी एक ऊर्जा है एक एक्शन है जो लोगों को महसूस हो रही है hmm. लोगों को सिर्फ हमारी वर्ड्स थोड़ी समझ में आ रही है एक ऊर्जा है जो महसूस हो रही है True. इसलिए कई बार हम लोगों से मिलते हैं और उनके एक्शन से हमको एक फीलिंग आ जाती है कि यार इससे मजा नहीं आया hmm. कुछ तो गड़बड़ है hmm. जबकि वो इतना अच्छे से बोल रहा है पर्सनैलिटी सही है सब कुछ ठीक है और कुछ लोग एकदम सिंपल बात करते हैं सादे कपड़ों में आते हैं और आप बोलते हैं यार इससे मिलकर मजा आ गया कुछ तो लाइक तोर इज समथिंग गुड अबाउट दिस पर्सन करेक्ट ये क्या ये एक्शन की एनर्जी है उसको कैसे अलाइन करें वो भी इस किताब में स्टेप बाय स्टेप बताया गया इनफैक्ट एक्शन uh, वाला जो पार्ट है जो काफ़ी फेमस बुक्स है इंटरनेशनल की उसमें दिया ही नहीं है काफ़ी फेमस बुक्स में बोला गया है कि आपको एक बाइसिकल चाहिए आप उसको देखो विजुलाइज़ करो और आपको मिल जाएगी mm -hmm. आपको कार चाहिए आप देखो विजुलाइज करो और आपको मिल जाएगी इट्स नॉट ट्रू अगर आपको कार चाहिए आपको विजुलाइज करना है बट साथ में आपको काम करके उतने पैसे इकट्ठे करके ही कार मिलेगी तो वो जो एक्शन पार्ट है उस पे बहुत ज्यादा फोकस हमने इस पे डाला हुआ है इन वेरी वेरी सिंपल वे बट इट इज मस्ट तो आपका जो चैनल है मोटिवेशन ए टू मोटिवेशन तो मोटिवेशन को फील कैसे करें उसको एप्लीकेशन में कैसे लाएं वो भी है इसमें प्रैक्टिस करनी है तो अच्छा मैंटोर भी चाहिए और बुक्स भी इंपॉर्टेंट है ये बुक अगर आप लेना चाहो तो अमेजोन पे अवेलेबल है yes. बहुत अमेजिंग बुक है इसकी दूसरी बुक के बारे में बात कर लेते जो जो आपने लिखी है उसका टाइटल मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है दैट इज़ अवेकन द लीडर इन यू ये बुक क्यों लिखने की सोची है और इस, <laughs> इसमें क्या कॉन्टेंट है सो so, हमने अपनी करियर की शुरुआत की थी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से ओके okay. और सत्रह साल हमने कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स किए और कॉर्पोरेट्स में हमारा नाम अगर आप कभी पूछोगे तो इट्स ऑलवेज मेंट फॉर लीडरशिप वर्कशॉप तो शायद ही जैसा इन इन्होंने शुरुआत में बताया कोई इंटरनेशनल कंपनी होगी जिनके टॉप मैनेजमेंट में हमने जाके लीडरशिप वर्कशॉप नहीं किया है हाँ. तो ये किताब लिखी गई थी उन लोगों के लिए जो कॉर्पोरेट्स में भी और पर्सनल लाइफ में भी यहाँ से शुरुआत करके लीडर बनना चाहते हैं ओके okay. तो लीडर बनने के लिए खुद में क्या क्वालिटीज चाहिए नॉर्मली क्या होता है हम लीडरशिप पर किताब पढ़ते हैं कि ये एक ऐसा लीडर है

तो ये हमने किताब लिखी थी उन लोगों के लिए जो लीडर बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि मैं कैसा इंसान हूँ और मेरे गोल्स के साथ मुझे कैसा इंसान बनना चाहिए ताकि मैं एक अच्छा लीडर बन पाऊँ फैमिली में भी और काम में भी जैसे आप अभी काफ़ी आगे निकल चुके हैं इस पूरी चीज़ की लो ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ने में उसको प्रैक्टिस करने में लेकिन कहीं से तो आपने शुरू किया होगा तो मेरे पास आपकी सोशल मीडिया की बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं जिसमें से एक फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा मुझे यू नो पूछने पे मजबूर करे कि इंसान कौन है मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इनसे मतलब आप इनको देखने के बाद या इनको सुनने के बाद आपका बिलीव और बढ़ गया होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं जो ए है, जो, 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 जो विटाले है ना जो विटाले ये फोटो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं सबसे पहले तो जो विटाले फेमस पर्सनैलिटी हैं क्या है? आपको क्या अट्रैक्ट करा आप क्यों उनकी तरफ गए

ठीक ठीक कर कर दिया 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 बिना 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 मिले बिना मिले किए किए काउंसलिंग उनको दिया और घर भेज अब ये ये काफी नहीं था uh. अच्छा पूरी स्टोरी डॉक्टर जो विटाले ने फेमस की थी इनके आर्टिकल में पहली बार इंटरनेट पे अवेलेबल है okay. खास बात ये है hmm. कि करीब कर दिया

आप यहाँ हो आप यहाँ जाना चाहते हो ठीक है अगर बीच में ट्रैफिक हो जितना ट्रैफिक बढ़ेगा उतना रास्ते में डेस्टिनेशन पहुंचने का टाइम बढ़ेगा तो उसी तरीके से अगर आप यहां से यहां हो तो आपके जो बीच का जो ट्रैफिक है ना उस ट्रैफिक को कहते हैं नेगेटिव इमोशन ओके okay. एक इंसान है जो सुबह से लेकर रात तक एफर्मेशन करे जा रहा है और अंदर पूरा टाइम दिन भर में महसूस करता है डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन एंगर सैडनेस होपलेसनेस डाउट और अब वो की, की जा रहा है क्या वो पूरा हो जाएगा नहीं होगा hmm. तो इन इमोशंस को रिलीज करने का एक बहुत अच्छा टेक्निको तो डॉक्टर hmm. का टेक्निक का को ठीक कर दिया था hmm. बहुत कमाल के चार स्टेटमेंट्स हैं hmm. लेकिन इतने सिंपल बोलोगे इससे कैसे नेगेटिव इमोशन ठीक हो सकते हैं पर बीच का ट्रैफिक है ना दस मिनट में खत्म कर देगा गायब Amazing. आप ये समझो कि जब प्रधानमंत्री इसी रास्ते से गुजरता है तो कैसा ट्रैफिक क्लियर होता है फटाफट बस hmm. ये हो अपनोपनो ऐसा है हो उपनो -उपनो आता है ना ट्रैफिक क्लियर हो जाता है <laughs> और क्या है वो वो चार चार स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स है आई आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू यू लव ये दुनिया के कुछ साइंटिस्ट हैं जो वर्ड्स के वाइब्रेशन पे रिसर्च करते हैं hmm. ये जो चार स्टेटमेंट्स है अगर इनके वाइब्रेशन को आप मेजर करो बोलते hmm. समय इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो अगर एग्जाम्पल लो कि

आप उसके बारे में सोचो और बोलो आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू इसको 108 बार कर लो आप आप hmm. दिन में दो बार hmm. खुद ही पिघल जाओगे तो फीलिंग तो है आपको कॉल आ जाएगा उस इंसान का oh. क्योंकि एनर्जी लेवल पे हम सब एक हैं हम hmm. विपरीत है hmm. तो जब आप उनके बारे में सोच रहे हो hmm. और मैं यहाँ से होप नो अपनो बोल रहा हूँ hmm. तो मेरे और आपके बीच की अगर कोई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है तो वो डिजोल्व हो जाएगी और उस डिजोल्व होने की वजह से सडनली अट्रैक्शन हो जाएगा और गोल हमारा पूरा हो जाएगा तो डॉक्टर जो बिटाले ने जब इसको फेमस किया तो उसकी वजह से हमने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और हमने एक जिसको हम कहते हैं, होप नो हीलर्स सर्टिफिकेशन और फिर हीलर लोगों को साढ़े पांच हजार लोग हमसे होप नोपनो कोर्स कर चुके, हीलर बन चुके आप यूट्यूब पे होप नोपनो देखेंगे जो भी आपको डिलीवर करते हुए दिखेगा वो हमारा स्टूडेंट है ये हम गर्व से कह सकते हैं इंडिया में होप नोपनो को फेमस हमने किया चलो इसको सिंपलीफाई करता दो तो इन्होंने बोला हो ओपनो अपनो उसका एग्जाम्पल लिटरली मैंने एक मूवी में देखा है उसको आप फील भी कर पाओगे इन्होंने कहा कि देखो जब आप कोई गोल पाना चाहते हो आप यहाँ गोल यहाँ है लेकिन बीच में ट्रैफिक बहुत है आप नहीं पहुँच पाते हो लेकिन वो ट्रैफिक गायब होगा हो ओपनो हो ओपनो की प्रैक्टिस से अब ये वर्ड बड़ा क्रिटिकल है बोलने में पांच छह बार तो आपकी टंग आपके साथ टंग ट्विस्टर हो ही जाएगा इसको आसान भाषा में समझते हैं मूवी का डायलॉग था अगर किसी चीज़ को शिद्दत से पाना चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है कोशिश करती है ये डायलॉग सब ने सुना है लेकिन आपने कभी सोचा कि डायरेक्टर ने ये जो डायलॉग बुलवाया था उसमें शाहरुख खान ड्रंक था या ड्रंक होने की कोशिश करके वो डायलॉग बोल रहा था अब मैं मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ एल्गोल को मैं उस फीलिंग को प्रमोट कर रहा हूँ जब कोई इंसान ड्रंक होता है पता है ना कि लोग पी के सब कुछ भुला के साफ मन से सारी चीजें बोलते हैं ये बड़ी कॉमन hmm. प्रैक्टिस है अगर That's किसी true. से सच बुलवाना हो <laughs> तो कहते हैं ना आओ या तो रात में आओ नहीं तो पिलाओ <laughs> सही है <laughs> तो अब उसका रीजन क्या था मन साफ हो गया वो अब मैं आपको पीने के लिए नहीं बोल रहा हूँ अगेन प्रैक्टिस का मतलब समझिए सिंगल डाउट भी है ना तो आपकी वो एफर्मेशन पूरी नहीं हो सकती ये कहते हैं कि ना आप नीचे आप सोच रहे हो कि मैं बिल्डिंग से कूद जूँ और कूदूँ और मेरे पंख लग जाए मैं उड़ जाऊँ ये भी पूरा हो सकता है मैं आपसे कहता हूं पूरा हो सकता है लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलता हूं छत पे चढ़ो नीचे देखो फिर भी अगर आपके मन में डाउट ना हो डर ना हो और फटे नहीं आपकी फिर कुछ जा आप उड़ जाओगे

जब हमने ये सर्टिफिकेशन कोर्स बनाया okay. तो हमने सोचा कि फिर क्यों ना उनसे मिला जाए hmm. जिन्होंने इसको करना शुरू किया, hmm. दुनिया में hmm. और हमने से किया, okay. और उनको हमने अपना कोर्स भेजा okay. सर, आप इस को अप्रूव करिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोर्स सही है hmm. और उन्होंने हमसे एक बीस मिनट की मीटिंग की hmm. और उस मीटिंग में उन्होंने खुद हमसे यूनिक ओरिजिनल और is... मैं इस कोर्स को प्रमोट करना चाहता हूँ और हम शायद इंडिया के पहले लॉ टन कोच हैं जिनका कोर्स एक इंटरनेशनल कोच वहाँ प्रमोट करेंगे और करना शुरू कर चुके हैं तो अभी बहुत जल्दी वो हमारे यूट्यूब गेस्ट आ रहे हैं हाँ। और फिर हमारे हो अपनो अपनो कोर्स में उनका एक स्पेशल एक स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन सेशन उनका लेसन आने वाला है और हो अपनो अपनो के एक्चुअली चार है जो मैंने आपको फेजेज एक पांचवा भी है जो वो सीक्रेट रिवील करने वाले हैं उस कोर्स में तो तारीख को लाइव आने वाले हैं हमारे जनवरी जनवरी बाय द वे आप लोग लकी हैं क्योंकि थर्टी जनवरी को ये जो विटाले के साथ शो भी कर रहे हैं वहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं ये बुक मैं जब आपको दिखा रहा था तो मैंने एक पिक्चर और देखा मैंने सोचा आपसे एक बार वो चीज़ में डिस्कस कर लूँ या बता दूँ ये जो बुक आप देख रहे हैं बेसिकली यही बुक ऋतिक रोशन के हाथ में भी है <laughs> जिसका एक्चुअली uh, इन्होंने मैनिफेस्ट किया था जिसके बारे में डिस्कशन भी किया था तो अगेन मैं कह रहा हूँ आपसे कि मुझे लगता है कि बुक पढ़ते हो तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं आपके पास कोई चीज़ होती है तो उसको ज़्यादा आप मैनीफेस्ट करते हो प्रैक्टिस करते हो सो so, ये बुक आपको अमेज़ोन पे मिल जाएगी अब हम अगली पिक्चर की तरफ चलते हैं विल टॉक अबाउट दिस पिक्चर जी dr. john d. martini is an international coach of law of traction. again, the star from the secret movie. okay, he's, he, was, he uh -huh. played a big role. Mm -hmm. as for me, he is the most learned man i have ever met. he read 35,000 books. Mm -hmm. he has written, i think, a few thousand books. Okay. he has come in lots of movies. Mm -hmm. and he understands physics. i think nobody understands physics more than nobody, he does. he understands physics. Mm -hmm. he's super good. Again he taught law of attraction in the secret book. Mm -hmm. Last year January we had hosted him. okay uh, We conducted. He has one signature program called breakthrough experience. okay उनका वो breakthrough experience program वो generally जब run करते हैं तो उनका कुछ पंद्रह बीस लोगों का program होता है. हमने manifest किया, हमने उनको approach किया, उन्होंने बहुत प्यार से हमें respond किया. फिर हमने उनको lunch पे invite किया. उन्होंने हमारा लंच इनविटेशन एक्सेप्ट किया हमने yeah. उनको गोवा में ताज में होस्ट किया yeah. आ, बड़े प्यार से मिले बहुत प्यारे बहुत अच्छे से टाइम दिया yeah. फिर उनको हमने बोला कि क्या हम आपको ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस के लिए होस्ट कर सकते हैं उन्होंने कहा हाँ ज़रूर उन्होंने कहा कितने लोग आएंगे yeah. हमने कहा कुछ फ्यू हंड्रेड पीपल उनको बिलीव ही नहीं हुआ उनको लगा ऐसे ही बोल रही है ये बट देन हमने पूरा प्रोसेस चालू किया एंड विद इन आई थिंक थ्री वीक्स वी होस्टेड इन विद सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी पीपल

मतलब कई बार होता है कोर्सेज़ की जो आप सीखना चाहते हैं जो क्लासिक कोर्सेज़ होते हैं जो बड़े लेवल के कोर्सेज़ होते हैं उसमें पे करके आपको सीखना पड़ता है यूट्यूब पे वैसे अवेलेबल है लेकिन उसको आप लोग सीरियसली भी नहीं लेते मैं देखो पे करने को ना जस्टिफाई करता हूँ देखो समझो आपको पता धीरू भाई अम्बानी का एग्जाम्पल है जो कि बहुत ईजीली फ्लॉड करता है पूरे इंटरनेट पर वो दिन में मुश्किल से कोई पाँच सौ कमाते थे लेकिन फिर भी उस टाइम पर अपने टाइम पर वो साढ़े तीन सौ रुपए की चाय पीने के लिए ताज जाया करते थे ये एग्जाम्पल पाँच सौ रुपये कमाने वाला इंसान चाय पीने के लिए जो शायद एक रुपये में मिलती होगी उस टाइम पे साढ़े तीन सौ रुपये की चाय पीने के लिए फाइव स्टार जा रहा था क्यों जा रहा था रीज़न जानते हैं आप मुझे बताने की जरूरत है नहीं वहाँ पे लोग आते हैं ऐसे लोग जिनके थॉट प्रोसेस है ना आपके थॉट प्रोसेस को ऊपर कर देते हैं अपर लेवल देते हैं एनहेंस करते हैं बस इसीलिए ये ये जो बड़े लेवल की जो भी मीटिंग्स होती हैं या फिर सेमिनार्स होते हैं वो उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं आपके थॉट प्रोसेस को लेवरेज करने के लिए लॉ ऑफ ट्रैक्शन के बारे में आपने हमको यहाँ पे इनवाइट किया बात कर रहे हैं हम इस बारे में हाँ। अगर आपने ये एक्सेप्ट किया इनविटेशन इसका मतलब कहीं आप भी लॉ ऑफ ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं आप इसमें मानते हैं थोड़ा उस बारे में बताइए हाउ इज योर लाइफ लॉ ऑफ एक्चुअली मेरी वाइफ बहुत मानती है हम लोग जब स्ट्रगल कर रहे थे एक्चुअली लाइफ में क्या होता है गिर पड़ के इंसान सीखता है और फिर सोचता भी है कि क्यों नहीं हो रहा कारण क्या है तो जब ढूंढने जाता और वहाँ रुकना बड़ा ज़रूरी है आप उसी स्ट्रगल में जिए जा रहे हो जिए जा रहे हो रुक के सोच ही नहीं रहे हो कि क्यों हो रहा है तो फिर आप ना रास्ता नहीं खोज पाओगे तो हमारी लाइफ में जब स्ट्रगल्स थी तब हमने रुक के सोचा कि हो क्यों हो रहा है रुकना बड़ा ज़रूरी होता है इंसान को तो वहाँ पर मेरी वाइफ ने बहुत सारी चीज़ें देखी समझी ये सब क्यों हो रहा है फिर फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो सिर्फ इतना ही नहीं कि हम लोग मैं बहुत प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पर्सन हूँ इंजीनियरिंग किया हुआ है तो जर्ली मैं बिलीव नहीं करता इतनी जल्दी तो मैं तो लगा होता अपनी ज़िंदगी में बट मेरी जिंदगी उसकी ज़िंदगी अटैच्ड है ना आपका लाइफ पार्टनर ऐसी तो लाइफ पार्टनर नहीं होता है तो उसने बोला कि ठीक है अरविंद बिजी है अपनी लाइफ में मैं तो कोशिश कर ही सकती हूँ तो उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया और फिर हमारी ज़िंदगी उस लेवल पे हम पहुंच गए जहां हम कभी ज़िंदगी में सोच ही नहीं सकते थे ये

एंड <laughs> uh, ये ये लिटरल मीनिंग है बिलीव बिलीवनेस yes. का तब आप ऐसा नहीं और मुझे बिलीव है पूरा कि और मैं ऐसा बिल्कुल डाउट मेरी खास बात ही ये कि मुझे मैं ना मेरे साथ मैंने कभी ज़िंदगी में कुछ भी धक्का खाया हो किसी भी चीज़ पे मतलब मुझे ठोकर लगी हो hmm. मेरा बिलीव सिस्टम नहीं हटता मैं आज भी लोगों के लोगों के आइडियाज़ पे Beautiful. लोगों पे बिलीव करता हूँ कई बार है ना एक और चीज़ मैं आपको बोलता हूँ जिन लोग बोलते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है तो बहुत केयर्ड कर जाते हो उस टाइम स्टेटमेंट एक्चुअली और मुझे नहीं लगता कि वो स्टेटमेंट प्लान बी सही चीज़ है या ऐसे दूध का जला छाछ को भी फूक फूक पे के पिए वो सही स्टेटमेंट है करना नहीं चाहिए यार अब बिलीव सिस्टम को एक दो लोग आएंगे आपके बिलीव सिस्टम को हिलाने के लिए तो अब हिल गए तो फिर आप गए तो मुझे मुझे बिलीव नहीं है उस चीज़ पर तो फाइनली बड़ा अच्छा सवाल था अंदर के गुबार बाहर आ गए पर वो पॉजिटिव सेंस में थे आपकी भी कुछ स्टोरीज होगी शेयर करो कमेंट सेक्शन में फाइनली बड़ा अच्छा लग रहा है लो ऑफ अट्रैक्शन पे इतना आप बिलीव करते हो लोगों लोगों को भी कहते हो लेकिन मेहनत भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी है बिल्कुल मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं जैसे हमने ऋतिक रोशन का एग्जांपल दिया इसके अलावा और कोई प्राइम एग्जांपल आपको समझ में आता है नज़र आता है मेरिकल एकदम कि यार वो तो लिटरली मेरिकल था आ, ऐसे हज़ारों हैं पर उनमें से एक बताता हूँ मैं आपको तो हम

तो दस साल की सक्सेस एक साल में पा सकते हो अगर आप सही तरीके से लॉफ ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करो True. तो एक एग्जाम्पल देता हूँ hmm. एक आ, बहुत अच्छी स्टूडेंट है हमारी hmm. जब उन्होंने हमको ज्वाइन किया hmm. तो प्लेटिनम ज्वाइन करते समय उनके जेब में सिर्फ दस हज़ार रुपए थे हालांकि प्लेटिनम की फीस थोड़ी ज़्यादा है hmm. पर जब उन्होंने ज्वाइन किया hmm. उनके हस्बैंड के साथ उनका सेपरेशन हो चुका था hmm. आ, बच्चे के साथ अकेले रह रही थी hmm. कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी hmm. कैसे कमाना आता भी नहीं था टेक्नोलॉजी में ज़ीरो सिर्फ मोबाइल यूज़ करना जानती थी लैपटॉप यूज़ करना तो आता ही नहीं था था okay. हाँ भी नहीं लैपटॉप mm -hmm. आज एक साल के अंदर चौदह लाख रुपए कमा चुकी है हस्बैंड वापस आ चुका है ठीक mm -hmm. है खुद कोच बन चुकी है mm -hmm. टेक्नोलॉजी में इतनी अच्छी है कि उनके खुद के यूट्यूब चैनल पे हजारों सब्सक्राइबर्स हैं oh. और अब yes. लोगों की हेल्प कर रही है yeah. और अब वो लोगों के रिलेशनशिप बचा रही है mm -hmm. अगर ये अपने आप में मैजिक नहीं है तो क्या है ट्रू तो लॉफ ट्रैक्शन चारों एरियाज में आपको रिजल्ट दे सकता है हेल्थ रिलेशनशिप करियर एंड मनी एक example, कहते कहानियों से कुछ इंस्पिरेशन मिलती है बट सबूत कई बार देखने से आता है hmm. तो उसका एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ hmm. मेरे हाथ में आप एक सिंपल hmm. सा क्रिस्टल है hmm. अब क्रिस्टल होता क्या है hmm. फिर से हम साइंस पे आते हैं कि पूरी दुनिया में हर चीज़ आपने कहा किस चीज से बनी hmm. एनर्जी और वाइब्रेशन है ना True. तो दिखने में तो ये मैटर है बट फिजिक्स कहता है ये मैटर नहीं है ये एनर्जी से बना है माइक्रोस्कोप लेके देखोगे तो अंदर एनर्जी मिलेगी अब ये एनर्जी और मेरी एनर्जी में कोई फर्क नहीं मेरी भी बॉडी मैटर है लेकिन एनर्जी है थॉट्स hmm. एनर्जी है hmm. और ये सारी एनर्जी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है तो hmm. इसका एक प्रूफ दिखाता हूँ hmm. अभी मैं जान hmm. पूछ के अपना नहीं दिस इज फाइन हैंडल पे मैंने अपना हाथ रख लिया hmm. तो मेरा हाथ हिल नहीं रहा है hmm. कैमरे पे आप देख पा रहे हो hmm. अब ये क्रिस्टल hmm. स्टेबल है hmm. अब मैं इस क्रिस्टल से बात करना शुरू करूंगा ये मुझे रिस्पॉन्ड करेगा तो क्रिस्टल जी स्टार्ट मूविंग ऑन योर राइट 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 right, घूमना शुरू कर दो आई लव यू कीप मूविंग राइट थोड़ा सा और फास्ट हो जाओ ताकि देखने वाले को थोड़ा मज़ा आए और और बिलीफ हो जाए कि आप और वो एक हैं इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से और हम एनर्जी लेवल पे जो भी एक दूसरे से बात करते हैं सबको समझ में आ रहा है और पॉजिटिव बोलूंगा तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव बोलूंगा तो नेगेटिव होगा तो राइट बोल रहा हूँ राइट होते जाओ होते जाओ होते जाओ होते जाओ अब स्लो हो जाओ थैंक यू फॉर डेमॉन्स्ट्रेटिंग टू द यूनिवर्स कि हम सब एक हैं और जैसे जैसे स्लो हो जाओगे स्लो होते होते अब देखो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या ताकि उसकी स्पीड कम हो जाए अब जैसे जैसे स्लो हो रहे हो प्लीज़ स्टार्ट टर्निंग लेफ्ट 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 और लेफ्ट की तरफ गोल घूमना शुरू कर दो लेफ्ट 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 और थोड़ा फास्ट करो लेफ्ट 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 अब ये देखो लेफ्ट को घूम है अब जो रुक जाओ स्टॉप, 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 उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ताकि उसकी कम हो जाए। अब करना चाहोगे बिल्कुल बताइए पक्का एक एग्जांपल आप घर पे कर सकते हो आपको इस की नहीं है अपने किसी फैमिली को खड़ा कर दो उनका हाथ ऐसे कर लो okay. ठीक है आप अपना हाथ ऐसे करिए अब आप जब अपना हाथ ऐसे करेंगे तो मैं आपका हाथ अपने हाथ से पुश करूंगा तो आपको भी घर पे यही करना है अपने किसी फैमिली मेंबर को बोलो हाथ ऐसे कर ले आप उनको बोलोगे आप उनका हाथ नीचे पुश करने वाले हो जब आप मैं हाथ पुश करूंगा आपको रेजिस्ट करना है पूरी ताकत से आप थी मुझे थी हाथ नीचे मत करने दो ठीक अब गेम ये नहीं है कि मुझे इनको पुश करना है मुझे सिर्फ स्ट्रेंथ देखनी है ठीक है तो मैं रीजनेबल तरीके से पुश करूंगा चिंता मत बनकर रेडी तो आप पहले बोलिए

दोबारा कर हाँ हाँ पूरे विश्वास से कर लो ठीक है मेरा नाम कृष्ण है वापस बोलो मेरा नाम कृष्ण है मेरा नाम कृष्ण है अब इसको एक बार वापस बोलिए मेरा नाम अरविंद है मेरा नाम अरविंद है वापस बोलो मेरा नाम अरविंद है अब कृष्णा बोलो मेरा नाम कृष्ण है फर्क महसूस हो रहा है हाँ क्या हो रहा? एनर्जी में फर्क है मतलब मैं जो एनर्जी लगा पा रहा हूँ हाँ। जो मैं सच बोल रहा था जो मैं झूठ बोल रहा था दोनों में हाँ। था। ये आपके अंदर की पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी बाहर आ रही है आप सच बोलते हो हुँ। आपकी पूरी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हर सेल में एनर्जी है ताकत कैसे बनती है ये ताकत है ये कमजोरी है, है ना

आप अपने ही हाथ को पकड़ लो किसी को बोल दो हाथ नीचे करो झूठ बोलोगे हाथ, बोलो हाथ नीचे नहीं जाएगा हाँ। अच्छा चीज बोल जो भी आपके लिए गलत होगी ना इंट्यूटिवली तो आपका हाथ नीचे हो जाएगा नहीं वैसे भी गलत और सही की पहचान इंटरनली खुद इंसान को हो ही जाती है सच गलत कर रहा होता है तो अंदर से वाइब्रेशन ऐसे निकलते हैं ऐसी बात नहीं है तो अब ये सोचो कि ये एक छोटा सा क्रिस्टल है इसको मैंने बोला राइट घूमो राइट घूमिए मुझे कार चाहिए मुझे बंगला चाहिए मुझे एक इंसान चाहिए प्यारा सा मेरी जिंदगी में जिसके साथ में मैं खुश रहूँ मुझे एक अच्छा सा दोस्त चाहिए।, चाहिए मुझे कोई सपोर्ट चाहिए मुझे कोई जॉब चाहिए क्या वो नहीं सुन रहा है आपकी बड़ा प्रूफ क्या है लॉ का क्रिस्टल से कर लो घर में अपने किसी दोस्त के साथ कर लो

उसमें हम लाइव दिखाते हैं लोगों को ऐसे दो लोग बैठे होते हैं और को हाँ। बोलते हैं चलो किसको हेडेक हो रहा है बीस पच्चीस लोगों को तो दो लोगों में हेडेक होते ही है सब हाथ उठाते हैं उनके साथ हम एक होप नपड़ो करते हैं हेडेक गए तो अभी एक रिसेंट केस हुआ कि के एक लेडी थी उसका पैर दुख रहा था बहुत ज़्यादा तो हमने होप नो किया पैर का दर्द खत्म हो गया वो तो ठीक था लेकिन उसके चार दिन बाद में हमारे डेली मैजिक प्रैक्टिस कोर्स में वो आई और उसने शेयर किया हमारे साथ कि उसका जो पैर का दर्द था वो दस साल से था ये मुझे नहीं पता था और दस साल से रोज था hmm. बोलती चार दिन हो गए मुझे एक बार भी वापस दर्द नहीं हुआ है hmm. ये कैसे भरोसा करो hmm. कुछ चीजें होती है जो लॉजिक से बाहर होती है hmm. क्योंकि यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं ताकत हैं जो हम इस्तेमाल करके वो पा सकते हैं जो लॉजिकली हमारे हक में नहीं है hmm. हमारे कैपेसिटी में नहीं है hmm. तो इसलिए मैं लॉफरेक्शन में, में कहता हूं अकेले काम मत करो hmm. इस पूरे कायनात को लेके काम करो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएगी जो अकेले नहीं कर पाओगे फाइनली इस कहानी का सार यही है कि जब आप बिलीव करते हो तो आप अचीव करते हो भगवान भी भगवान तभी है जब आप विश्वास करते हो वो मूर्ति है पत्थर की जब आप विश्वास नहीं करते हो अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके बिलीव सिस्टम पर ही काम करता है आपने इतना कुछ सुन लिया मेरी बात सुनी मुझसे ज़्यादा इनकी बातें सुनी इनके एक्सपीरियंसेस सुने इनसे आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी दिमाग में आ रहा होगा कि कोर्स तो हम तीस तारीख को हम ज्वाइन कर ही रहे हैं मतलब जो लाइव सेशन होने वाला है जो विटाले के साथ में वो तो ज्वाइन कर ही रहे हैं लेकिन एज अ अटोर अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट उसमें भी करना चाहते हो तो इनके कोर्सेज़ के बारे में डिटेल ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए इन तक पहुँचने में सर आपके कोर्सेज़ जो हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए श्योर sure. तो दस से ज़्यादा कोर्सेज़ हैं और okay. हर एरिया के लिए हैं चार एरियाज के लिए जिसको मैं कहता हूँ हेल्थ रिलेशनशिप करियर और मनी इन सभी की फ्रीक्वेंसी बहुत अलग है अरविंद जी ओके okay. जैसे अगर मुझे हेल्थ में कुछ करना है ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है okay. वही एफमेशन करके वही हेल्थ का गोल नहीं पूरा किया जा सकता रिलेशनशिप करियर मास्टरी में अलग फ्रीक्वेंसी होती है अलग गेम होता है एग्जाम्पल okay. देता हूँ हम जिससे भी मिल मिलने hmm. हर इंसान एक अच्छी शादी करके खुश रहना चाहता है hmm. कोई भी रहना चाहता है hmm. जॉब करने के लिए hmm. हमने एक इंटरव्यू दिया hmm. उस इंटरव्यू की हमने कितने साल तैयारी की बताइए

उसके लिए किससे सीखा hmm. कि जब झगड़ा होगा तो कैसे सुलझाएंगे hmm. समझांग एक दूसरे को समझेंगे कैसे एक्सेप्टेंस hmm. कैसे होगा hmm. ये भी लॉ ऑफ एक्शन है ओके okay. तो उसके ऊपर भी कोर्स है लॉ ऑफ ट्रैक्शन फॉर रिलेशनशिप्स लॉ ऑफ ट्रैक्शन फॉर करियर लॉ ऑफ ट्रैक्शन फॉर मनी सिर्फ एक ही सोर्स से पैसा कमाते रहोगे तो फिर मिलियनेरी बन सकते ट्रू यू हैव टू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम ट्रू उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है ट्रू तो ये अलग अलग कोर्सेज भी हैं और एक हाईएस्ट लेवल है जिसको हम कहते हैं प्लेटिनम प्लेटिनम इज नॉट अ कोर्स इट्स अ लाइफ कोचिंग फॉर लाइफ जहां हम कहते हैं आप बार बार कोर्सेज करने से अच्छा है एक बार इन्वेस्टमेंट कर लो और हमारे साथ लाइफ कोच की स्टूडेंट बन जाओ एंड नाउ आई एम विथ यू फॉर लाइफ और hmm. उसका कमिटमेंट हम सिंपल देते हैं लोगों को टेन ईयर्स ऑफ सक्सेस इन वन ईयर अगर आप वो पूरा एक साल हमको पूरा दे दो तो hmm. ऐसा नहीं कि कोर्स खरीद के आप चले जाओ hmm. नहीं लॉटरी नहीं है इट्स नॉट अ क्विक फिक्स मेहनत है काम करना पड़ेगा hmm. अपने आप पे मेरे साथ बट hmm. वो अगर एक बार जैसे मैंने आपको मेरे एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल बताया जो कहाँ थी अब कहाँ है प्लेटिनम hmm. है तो हमारा उद्देश्य यह है कि इंडिया का हर मेंबर hmm. हर सिटीजन जब सुबह उठे hmm. तो एफर्मेशन करें hmm. जैसे हम ब्रश करते हैं मैं चाहता हूँ लोग सुबह उठे और होप नू करें मैं चाहता हूँ कि लोग सुबह उठें और घर से निकलने के पहले विजन बोर्ड देखें ताकि आने वाले फ्यूचर को hmm. सिर्फ जियो मत उसको पहले बनाओ फिर जियो hmm. और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको एक कोर्स करके नहीं छोड़ सकते ट्रू सो वी इनवाइट पीपल इनटू व्हाट वी कॉल अ प्लैटिनम मेंबरशिप जहां okay. पे लाइफ टाइम कोचिंग होती है अगेन अगर आप इसको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो या इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया एक बार एक्सप्लोर जरूर करो हाँ क्योंकि आप हमारे व्यूअर्स हो सब्सक्राइबर्स हो इतना चाहते हैं प्यार करते हैं तो स्पेशल कुछ होना चाहिए स्पेशल ट्रीट है आपके लिए सर हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या स्पेशल कर सकते हैं आपके कोर्स एक नहीं दो ट्रीट देता हूँ मैं <laughs> <ट्रेजी>। <laughs> तो एक तो जो हमारा एडवांस कोर्स है जहाँ से शुरुआत होनी चाहिए इंसान ओके जब मैंने कहा ना बी डू है तो बीन शुरू होता है एडवांस ओके okay. तो उसका जो पहला लेसन है नाइनटी मिनट्स का है वो मास्टर क्लास में आपके व्यूअर्स को हमारी तरफ से गिफ्ट देता हूँ आप wow. प्लीज उस गिफ्ट का पूरा इस्तेमाल करिए उस पूरे पहले लेसन का हंड्रेड परसेंट इस्तेमाल करिए वो पहला दूसरा मैंने कहा था ना डेली मैजिक प्रैक्टिस तीस दिन प्रैक्टिस करना चाहिए कम से कम तो पहले लेसन में ये तो समझ में आ जाएगा कि एफर्मेशन कैसे बनाते हैं बट रिपीटेशन जरूरी है नहीं तो बिलीफ नहीं बनेगा तो वो प्रैक्टिस ना अकेले नहीं होती ट्रू ट्रू घर बैठ के नहीं होती चाहिए चाहिए लोग हुँ। चाहिए। हुँ। तो रोज रात को नौ बजे हम तीन सौ से चार सौ लोग रोज मिलते हैं और रोज प्रैक्टिस करते हैं डांस करते हैं एफर्मेशन बोलते हैं और मैं रोज आता हूँ वहाँ पे आधे घंटे का पर्सनल गाइडेंस देता हूँ लोगों को रोज तो उसकी जो फीस है वो आप छोड़ दीजिए वो मेरी आपको हमारी तरफ से आपके व्यूअर्स के लिए गिफ्ट है वाओ क्रिसमस बन गया हमारा सो फाइनली ये जो दो पर्क्स आपको दिए हैं वो एब्सोल्युटली फ्री हैं इसका कोई चार्ज नहीं है अगेन मैं कहता हूँ डिपेंड आपके ऊपर करता है अगर आप अप, अपन इस चीज़ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक बार एक्सप्लोर करना चाहते हो प्रैक्टिस करना चाहते हो या फिर एक बार फील करना चाहते हो तो ज़रूर मितेश जी की क्लास को हिंदू मैम की क्लास को ज्वाइन करो जाके बार एक्सप्लोर करो मे भी आपका लाइफ चेंज हो जाए कई बार टर्निंग पॉइंट्स ऐसे ही निकल के आते हैं आपकी लाइफ में फाइनली बड़ा मज़ा आया नेवर एंडिंग कॉन्वर्जेसन होना चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जितनी बात करो उतना कम है बट समराइज़ करते हैं कंक्लूड हमने बहुत किया सेशन को समराइज़ करते हैं आपने सीखा होगा बहुत सारी चीज़ें सर मैं तो कम्प्लीट बिलीवर हूँ क्योंकि मेरे तो घर में चीता जागता है एग्जाम्पल है घर में ही हाँ <laughs> लेकिन लोग बिलीव तभी करते हैं जब लोग अचीव करना शुरू करते हैं आप अचीव करेंगे जब आप बिलीव करेंगे लेकिन मैंटोर भी आपके साथ में आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं लेकिन फिर भी जितना यूथ देख रहा है जो आपकी बात सुन चुका है लो ऑफ अट्रैक्शन के को मान भी चुका है लेकिन कहीं ना कहीं अटक रहा है तीन सजेशन पहले इंदू मैम से लेते हैं आपको तीन एडवाइसेस देनी है ताकि वो फुलफिल कर पाए अपने ऑफ अट्रैक्शन में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप तीन एडवाइस क्या देंगे पहला एडवाइस रहेगा क्लैरिटी एग्जैक्टली क्लियर हो जाओ कि क्या चाहिए okay. ये नहीं डिसाइड करो कि आज बोल रहे हो मुझे पाँच हज़ार चाहिए कल दस हज़ार चाहिए कल पंद्रह हज़ार चाहिए hmm. इसमें मैं एक एग्जाम्पल हमेशा लेते रहती हूँ जब स्टूडेंट से बात करती हूँ तो आप एक टैक्सी में बैठे हैं आप बोल रहे हो कि मुझे अभी यहाँ से मुंबई जाना है फिर आधे रास्ते से जा नहीं नहीं मुझे मुंबई नहीं बैंगलोर जाना है और फिर बोलो नहीं नहीं मुझे हैदराबाद जाना है टैक्सी वाला रुक जाएगा वो बोलेगा मैडम डिसाइड कर लो पहले फिर मैं चलने लगूंगा यूनिवर्स भी वैसे ही करता है तो पहले क्लैरिटी ले लो कि एग्जैक्टली exactly आपको करना क्या है जाना कहाँ है एक बार क्लैरिटी आ जाए क्या करना है फिर उस हिसाब से अपना एफ़ अलाइन करना शुरू करो ड्यूरिंग दी अलाइनमेंट ऑफ एफ जब भी आपको डाउट आए तब आपको बोलना है कैंसिल कैंसिल और कैंसिल कैंसिल बोलने के बाद में आपको उस डाउट को रिप्लेस करना है किसी भी ग्रैटिट्यूड से किसी भी ग्रैटिट्यूड से इट कैन बी अ ग्रैटिट्यूड ऑफ सेइंग सेंग आई एम ब्रीदिंग राइट नाउ नाउस आम थैंक यू थैंकफुल फॉर दैट और अ वाटर बॉटल और अ फूड और पेरेंट्स और क्लोथ्स फूड वॉट कम्स टू योर माइंड उस वक्त जो भी आपके दिमाग में आए उस ग्रैटिट्यूड से आपको रिप्लेस करना है mm -hmm. तो आपका वो जो डाउट है वो एक सेकेंड में फिजल डाउन हो जाएगा और रिप्लेस हो जाएगा पॉजिटिव एनर्जी से और आपका माइंड तो मंकी है थोड़ी देर में फिर कुछ और सोचने लगेगा तो ये आपको करते रहना है एक बार क्लैरिटी आ गई एफ टी बी अलाइन किया आपने डाउट्स क्लियर किए अपने आप उस रास्ते में आप चलने शुरू कर देंगे तो अब हम चलते हैं हमारे मैंटोर के पास मैं बड़ा हैरानी भी करता हूँ कई बार कई बार हम लोग सोचते कि पहले ज़माना हुआ करता था यूट्यूब पर जब मैं टीचर था तो वहाँ पर एक एक दो दो घंटे के लेक्चर लिया करते थे फिर ये थर्टी मिनट हुआ फिफ्टीन <laughs> मिनट हुआ टेन मिनट हुआ आज तो एक मिनट एक मिनट उस एक मिनट में पंद्रह सेकेंड ही है सर सोशल मीडिया लोग यू वो हमारे जो मैनेजर्स है बोलते हैं पंद्रह सेकेंड में कुछ करके दिखाओ पंद्रह सेकेंड में तो इतना जब स्केटर्ड है यस yes. माइंड इतना जब हिला हुआ है सब सिस्टम क्या एडवाइस होंगी आपकी so, तीन चीज़ें पूछ रहे हो कमी है लेकिन शुरुआत करते हैं पहली चीज़ रोज सुबह उठने के बाद स्टार्ट विथ किसी भी दस रैंडम चीजों को थैंक यू बोल दो ओके रैंडम लिस्ट मत बनाना hmm. सुबह उठो जो दिल में दस चीज है क्लैरिटी hmm. hmm. आनी शुरू हो जाएगी तो hmm. so पहली चीज़ रैंडम से शुरू करो hmm. जो लेसन वन हमने लोगों को फ्री दिया है उसमें इस बारे में और डिटेल में बात है hmm. दो hmm. सुबह उठते ही बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं पानी पीना चाहिए ना hmm. तो एक बॉटल बना लो जिसको हम कहते हैं मैजिक वॉटर इस बॉटल के ऊपर एक टेप लगा दो व्हाइट कलर की और स्टेप के ऊपर वो वर्ड्स लिख लो जो आपको जिंदगी में चाहिए hmm. लव क्लैरिटी सपोर्ट मैरिज जो भी आपको चाहिए इस बॉटल पे लिख लो hmm. इस बॉटल को सोने के पहले भर के पानी से अपने बेडसाइड टेबल पर रख दो hmm. रात को जब उठोगे तो इस बॉटल का इस्तेमाल मत करना उसके लिए अलग बॉटल कर लो okay. सुबह उठने के बाद ये बॉटल से आप पानी पियो hmm. एक बार में मत पीना बहुत ज्यादा बाथरूम जाना पड़ेगा लेकिन धीरे धीरे आप इस बॉटल का पानी कंज्यूम करो और रोज रात को ये करो Hmm. इसमें तो मंकी माइंड नहीं बीच में आएगा hmm. और मैं गारंटी देता हूँ उन्होंने दे hmm. hmm. एक okay. एक्सपेरिमेंट किया जहां उन्होंने पानी को hmm. फ्रीज किया hmm. बर्फ बना दिया बट hmm. उसके पहले उन्होंने दो अलग अलग ट्यूब्स में लिया hmm. और एक ट्यूब के ऊपर उन्होंने लिख दिया हेट okay. दूसरे ट्यूब पे लिख दिया लव और उसको फ्रिज में डाल दिया अब वो आइस बन गया। उसको बाहर निकाला। लव वाला वर्ड था जो क्यूब निकला आइस का उसको जब माइक्रोस्कोप से देखा फूल जैसी इमेज निकली उसमें डायमंड जैसी माइक्रोस्कोप से इसकी इमेजेस आप लोगों को दिखा सकते हो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है आप गूगल पे कभी भी जाके सर्च करना डॉक्टर मसारू इमोटो वाटर एक्सपेरिमेंट hmm. तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ किया दो चीजें पहली hmm. लॉ ट्रैक्शन का जो साइंस है एनर्जी लेवल पे हम एक है hmm. तो जब इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर आप पानी डालते हो और पानी डालने के बाद में आप उसके ऊपर हेट लिखते हो hmm. हेट वर्ड की भी एक फ्रीक्वेंसी है hmm. आप बोलो ना बोलो उस शब्द के अंदर एक फ्रीक्वेंसी है ट्रू वो फ्रीक्वेंसी पानी में घुस जाती है क्यों पानी की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है पानी हर चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है जहर डालो एब्जॉर्ब हो जाएगा दवा डालो हो जाएगा तो हेड डालोगे हो जाता है। तो जब आप उसको में देखो एनर्जी देखो अपने घर पे किसी बच्चों के साथ करके देख लो दो प्लास्टिक के कंटेनर ले लो उसमें फ्रेश राइस डाल आप बॉईल कर लो राइस खाने वाला फ्रेश राइस एक पे लिख दो हेट दूसरे पे लिख दो लव अब आप इसको ना पांच दिन मॉनिटर करो और जो पहले वाला ना हेट उसमें दो ही दिन में फंगस आ जाएगी काला काला हो जाएगा और जो दूसरा है जिंदा रहेगा उठो मैजिक वाटर पियो hmm. अपने गोल्स उस पानी पे लिख दो hmm. अपने आप क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी hmm. तीसरी और सबसे बड़ी बात रोज प्रैक्टिस करो अगर प्रैक्टिस करना है तो पहले कोच के पास आ जाओ प्रैक्टिस करोगे अपने आप वो जो मंकी माइंड स्थिर होना शुरू हो जाएगा क्योंकि अकेले करने जाओगे होगा नहीं नहीं होगा किसी और के साथ प्रैक्टिस करोगे हंसते खेलते कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा इसलिए आपको हमने डेली मैजिक प्रैक्टिस का गिफ्ट दिया है उसका इस्तेमाल करो रोज रात को हमारे साथ आओ डांस करो प्रैक्टिस करो बाकी अपने आप हो जाएगा यूनिवर्स की तरफ भरोसा करो क्या बात है सो so फाइनली मुझे लगता है कि आपके टारगेट्स या आपके दिमाग में जो डाउट्स थे उसको क्लैरिटी तो जरूर मिली होगी अगेन ये सिर्फ बातें सुनने के लिए नहीं है मुझे अफसोस तभी होता है जब आपसे सुन के चले आते हो दो चीज़ें करनी आपको पहला तो प्रैक्टिस करो जो बोल रहे हैं उसको आपको देखना भी तो पड़ेगा कितना काम करता है जाओ इंजीनियर बन जाओ थोड़ा ट्राई करके देखो <laughs> दूसरा पूरे सेशन को जिसने देखा है आई हैव अ रिक्वेस्ट आपको सबसे अच्छा क्या लगा कौन सी बात इंदू मैम की या नितेश सर की सबसे अच्छी लगी वो आपको बतानी है और कमेंट सेक्शन में लिखना है और मेरी जगह अगर आप होते तो हम हितेश सर से क्या पूछते हैं हिंदू मैम से क्या पूछते अगली बार जब हम फिर से मिलेंगे ये हमारे फिर से गेस्ट होंगे तो फिर आप ही का नाम लेके वो सवाल मैं पूछ लूँगा सो एन्जॉय योर लाइफ अच्छा मैनिफेस्ट करो जो भी कर रहे हो खुद के लिए ईजी टू गो लाइफ हो मेरे पापा बस ये कहते हैं कभी पापा को फ़ोन करो ना पापा दो ही शब्द बोलते हैं सब है अच्छा है सब है अच्छा है सब wow. है अच्छा है तो बस सब है जो है वो अच्छा है इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को मिलते हैं अगले सेशन में थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू एंजॉय योर नाइट